दोस्तों गुड मॉर्निंग, करते हैं नए दिन की शुरुआत अपने लेमन टी के साथ। है दोस्तों सुबह का नज़ारा, सिलूर घाटी में आज फिर कोहरा लग गया है। ये देखिए, ये पूरी सिलूर घाटी में कोहरा ही कोहरा आज। इसका मतलब कल आसमान साफ होगा, तभी कोहरा लगा है। ओस भी पड़ी है, बाकी पहाड़ियों में धूप निकल चुकी है। सामने की पहाड़ी में हल्की धूप आई है और अभी हमारे वाली पहाड़ी में नहीं आई है धूप। ये सामने सोनी वाले जंगल में भी आ गई है धूप। सामने की जो पहाड़ी है वाली, ये सोनी का है, डोड़खाव है ये मार्केट, पूरी यहाँ से यहाँ तक का डोड़खाल की मार्केट है। और आसमान क्लियर है, ये देखिए, यह है सुबह का नज़ारा दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का। बाकी खेतों में पानी दे दिया है ये, और खाद मो डाल दी है। बाकी ये रुचि का टेंट आ गया है, अब दो जने इसके अंदर खेलेंगे। लाओ अपने खिलौने, लाओ लाओ अपना खिलौना लाओ। हाँ दीदी से कहो खिलौना लाओ, फिर इसके अंदर जाओ खेलो। जाओ जाओ इसके अंदर जाओ। हाँ इसके अंदर बैठे रहना, धूप भी सेकना और टेंट के अंदर बैठे रहना अपना, ठीक है। वाओ अच्छा हो रहा है, अच्छा। दिखाओ तो कैसा अच्छा हो रहा है। ये बैठे रहना इसके अंदर, ठीक है। हाँ अभी दीदी आएगी, ठीक है। आओ दीदी, वाओ कह रहे भैया, आ जाओ खेलो इसके अंदर, फिर करना। अभी धूप आएगी, जरा वो कर ले फिर करना। हाँ जाओ खिलौने खिलौने दे देना उसको, दो चार खेलेगा वो, फिर परेशान करेगा। धीरे 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 धीरे, कच्ची रोड है, दाएं बाएं देख लो, कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, क्लियर रोड है, तो निकल लो अपना। सामने हमारे दुकान वाले अंकल बैठे हैं, गहन अध्ययन चल रहा है इनका। ये किसी ने बोतल डाली है रोड में, सामने इनका मकान बन रहा है। हेलो, ये आ गई मार्केट, आ फिर सिंटेक्स आ गया, वो आ गया, इनका काम लगा है मकान का। अब ये फिर लाते हैं 1000 के लीटर की सिंटेक्स। सामने रवि पांडे तैयार हैं जाने के लिए बाजार। यहाँ आगे चिकन शॉप की दुकान, यहाँ आगे बगदा की दुकान, शेठ का चाय पीते हुए। यह कालिका मंदिर का हमारा गेट नया बन गया है। ये आ गया चारधाम गैरसैंण वाली रोड आ गई दोस्तों, NH 109। ये आ गई ठंडी सड़क नीचे हमारे गांव की, अम्याड़ी गांव की ठंडी सड़क है। यहाँ पर एक टैंकी यहाँ पर है, ये भी स्रोत का ही पानी है। 07 वाला गाड़ी दबा नहीं रहा अपनी साइड को, देहरादून नंबर की गाड़ी है, पूरी रोड घेर के चला है। वो तो हमारा आराम से चलते हैं तब, नहीं तो ये लोग मार जाते हैं हम लोगों को। ये ज़मीन भी बिकाऊ है ऊपर साइड को, धीरे धीरे आने लग गए बाहर के लोग इधर को। नीचे अभी फ्लैट बना है बढ़िया, फिर मैं दिखाता हूँ आपको अगर वहाँ जाता हूँ तो मैं। ये मंगरा बैंड आ गया हमारा, जय भोले की। यहाँ से अभी पानी भरूँगा, ज़रा मैं नीचे तक घुमाता हूँ आप लोगों को, नीचे दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ ज़मीन बिकी है। यहाँ पर हमारे टेलर मास्टर रहते हैं,
आनंद राम जी अच्छे कपड़े सिलते हैं, ये लो ये ऊपर साइड को राइट हैंड इनको लोटे भी लगाए हैं इन्होंने। ये पीपल के पेड़ के नीचे साइड को भी ज़मीन बिकाऊ है क्योंकि ये NH10 से लगते हुए हैं। यहाँ पर एक मशरूम की खेती का कर रखा है इन्होंने, कोई है MH वाले MH नंबर के। ये है देखिए दोस्तों, इसके ऊपर साइड को हमारी ज़मीन है, लोहे के एंगल लगा दिए इन्होंने चार पूरा। ये देखिए लेफ्ट हैंड को ये रेता बजरी, इसके ऊपर पांच फ्लैट बनने हैं। ये है दोस्तों, ये अमृत राम जी आ गए हैं हमारे, ये भी टेलर थे पुराने। अमृत इनका स्वास्थ्य ढीला होने की वजह से इन्होंने काम अब छोड़ दिया है। ये आ गए हमारे बाबा जी, अब हम यहाँ से गाड़ी बैक कर लेते हैं, ठीक है। यूँ करके वैसे हमेशा गाड़ी बैक करनी चाहिए दीवार की साइड को। चलो यहाँ पर तो काफ़ी जगह है, फिर मेरे को आइडिया भी है यहाँ का, तब मैं इस तरह का कर ले रहा हूँ। नहीं तो कभी भी हो, गाड़ी बैक तभी होनी चाहिए जब आपके पीछे दीवार हो, उससे एक सपोर्ट मिल जाता है। ये वो तो मेरे को ज़रा आइडिया है इधर का, तब मैं ऐसे कार ले रहा हूँ, आप लोग मत करना ऐसा। अब हम यहाँ से मुड़ गए हैं, ये सामने आई मशरूम की खेती वाला, ये टीन सेट में बनाया है जहाँ हरा ये लगा है पर्दा टाइप का, ये इसके नीचे बना रहे हैं, ऊपर को फ्लैट बन गए हैं हमारे लेफ्ट हैंड को। और ये टीन सेट इनका, ये अमृत राम जी आ गए हैं, और ठीक इसके राइट हैंड को यहाँ को हमारा भी है, ये इस साइड को और इसके ऊपर को भी। अब हम आगे शिव मंदिर मगरा पानी भरने के लिए दोस्तों, ये हमारे घर से 1 किलोमीटर की एरिया पर है। यहाँ पर ज़मीन बिक गई है, अभी बिकने वाली है और भी, बाहर के जितने भी हैं सब पहाड़ में कॉटेज बना रहे हैं बढ़िया वाला, क्योंकि इनको रोड से लगते हुए ज़मीन मिल रही है, फ्री का पानी मिल रहा है, यहीं पर ही पानी है, गधेरा है छोटा, उसमें भी बरसात के टाइम में पानी आता है। यह है दोस्तों पानी हमारा शिव मंदिर का, ये हमेशा 12 मास चलते रहता है, और इतने डब्बे लाया हूँ मैं पानी के भरने के लिए। ये देखिए यह है ऊपर शिव मंदिर हमारा, जय भोले बाबा की। और यहाँ से यूँ पानी आता है, ये जो पेड़ है ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ से पानी आता है, देखिए यह है धारा, ये लाया हूँ मैं इतने बर्तन पानी के भरने के लिए। ये देखिए एक बर्तन यहाँ भी है, हम ज़रा भोले बाबा के दर्शन कर लेते हैं। जय भोले बाबा की, ओम नमः शिवाय, जय बाबा। ये हैं भोले बाबा हमारे, ये इनकी कृपा से यहाँ पानी मिल रहा है हम लोगों को। इसमें नीचे डींगा ग्राम सभा भी आती है, अभी वो लोग भी यहीं से पानी भरते हैं। यह है भैरव देवता के मंदिर, और आने जाने वाले ट्रक वाले सभी हैं। बगल पर यह गधेरा है, यह बरसात के टाइम में उफान में आता है गधेरा। ये देखिए ये जामुन के पेड़ हैं, ये जुलाई अगस्त में होते हैं, ये शुगर के काम आते हैं। ये इनके पत्तों को सुखा लो और फिर फंकी मान लो। ये अरे डब्बा भरने में टाइम है, ये कोई यहाँ अमूल बटर की पेटी छोड़ गया है, पता नहीं कौन रख गया है शिव मंदिर में, कूड़ा करकट कर रहे हैं। पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था, यहाँ गंदगी ना करें, शराब पी रहे हैं क्योंकि पानी वाली जगह है, आप पिए लेकिन दूर पिए, मंदिर के आसपास ना पिए, गंदगी ना करें। ये एक पौवा वो नीचे है, एक पौवा उधर है, और ये आगे से हाईवे है लगते हुए, इसी वजह से ज़्यादातर गाड़ी वाले या कोई अन्य यहाँ शराब पीने आते हैं और गंदगी फैला जाते हैं। इसलिए दोस्तों शराब पियो, दाएँ बाएँ पियो, मंदिर बना पियो। मोर हो रहा आते रू नहीं आ रही डेली, मोर ना मोर काजू पारो भी आते हुए मोर को देखने के लिए।
आओ पारो किसे हाँ मोर की खोज छुकाओ उनको वीडियो ये गया भैया मोर को बैठी आए बता बता को बैठी आए देखो गाइस ये हल्दी डाल दी है सुबह ने अब ये सूख के तब इसको पीसा जाएगा यह है दोस्तों शाम का नज़ारा ये बन गई है पहाड़ी चोले में हरी सब्जी मिर्च भूट दी है और जखिया का लगा दिया है इसमें तड़का अब ये 10-15 मिनट में बन जाएगी आग हाग जली है धमाकेदार वाली फिर इसका टेस्ट लेंगे अपने खेत की राई की सब्जी है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए तब तक के लिए बाय बाय देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय।